there are several news that are coming across the YouTube, across the news, as well as in between all the students or the aspirants who are preparing for the examination. And you might be confused about what are the things that you should be happening or whether the examination is going to happen or not. Hello everyone, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel again. And in today's video, as you can see in the thumbnail, we are going to discuss about all these things, that whether the examination is going to happen or not, what are the options that we have, or whether this preparation or whether this news is true or not, that all the examinations will be happening by CUET exam. So the things are very confusing, and in all these scams and in all these preparation and proposals, what happens is the only person or the only section of the people who suffers is the aspirants who are preparing for this examination particularly. So in this video, we are going to discuss about all these things. We are going to discuss about the facts. This complete video will be in four sections. Firstly, we are going to discuss about what are the things that are happening. Secondly, we are going to discuss about what are the things that you might know about the things. And thirdly, we are going to discuss about what are the options that we have and what you should do. And lastly, and the fourth most important section of this video is the conclusion, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो पर्टिकुलरली, एज वेल एज वी गोना बी डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द थिंग्स बाय विच वी कैन कंक्लूड दैट वॉट आर द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि इस वीडियो के कंक्लूजन सेक्शन, जो कि आपको लास्ट के वीडियो में या इन द मिडिल सेक्शन अवेलेबल होगा, डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द वीडियो, बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड इस वीडियो को कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप देखेंगे, तभी आप इस वीडियो की कम्प्लीट प्रेपरेशन को या फिर तभी आप इस वीडियो के कम्प्लीट प्लान को देख पाएंगे. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन बिलो, बिकॉज आई होप दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड आई होप दैट यू विल लाइक द कम्प्लीट वीडियो, एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट subscribe button below with the bell icon so that you will getting the updates whenever I will upload a new video. So now let's discuss about the problems that we are facing. After a lot of intervals, after a lot of notifications, still the forms are not available. हम लोगों को इतनी बार न्यूज़ आ चुकी हैं, इतनी बार प्रेपरेशन वीडियोज़ आ चुके हैं, इतनी बार चीज़ें या नोटिफिकेशन या कुछ सब नोटिस आ चुके हैं दैट द एग्जामिनेशन विल बी हैपनिंग वेरी सून. देर आर सेवरल थिंग्स एंड सेवरल फैक्ट्स दैट वी हैव लुक दैट द एग्जामिनेशन इज कमिंग जस्ट इन 10-15 डेज, द एग्जामिनेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल शॉर्टली, बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट हैपेंड बाय नाउ टू. सो नाउ वॉट इज द थिंग दैट वी कैन डू, एंड देयर इज अ सेकेंड थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट नाउ, एंड दैट इज कि शायद से ना IIT की ना JEE मेन्स होगा, ना नीट होगा, ना और अदर कोई भी एग्जाम होंगे. एंड ऑल दीज एग्जाम्स विल बी हैपनिंग बाय अ सिंगल एग्जाम, दैट इज CUET. तो अभी कुछ दिनों पहले व्हेन आई वाज टेकिंग द क्लास, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि आप लोग अगर मेडिकल को छोड़ के अगर किसी भी अच्छी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यू कैन गो विद द CUET एग्ज़ाम, बिकॉज यहाँ पे आपको बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मिल रही होगी ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. तो नाउ द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज कि दे माइट बी टेकिंग ऑल द एडमिशन्स इन द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ बाय अ सिंगल एग्ज़ाम इन दिस सिंगल नेशन, एंड दैट इज़ द एग्ज़ाम दैट इज़ नोन एज CUET. सो यहाँ पे कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और जो सेक्शन सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है, दैट सेक्शन इज पर्टिकुलरली द स्टूडेंट और द एस्पिरेंट सेक्शन. सो नाउ अब बात आती है कि हम इन सारी चीज़ों में क्या कर सकते हैं, वॉट आर द थिंग्स. सबसे पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट वॉट डू यू वॉन्ट टू डू रियली, मीन्स अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही आना है, या फिर आपको MBBS पर्टिकुलरली करना है, और आपका एम है कि आपको मेनली नर्सिंग ही करना है. अगर आप में 10% भी ये चांसेस है ना, अगर 10-20% भी आप में ये बिलीव है कि अगर आपने अच्छे से प्रेपरेशन करी तो आप नीट निकाल सकते हैं, आप MBBS परस्यू कर सकते हैं, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अभी भी यू हैव टाइम, अभी भी फॉर्म्स नहीं आए हैं, अभी भी आप लोगों ने जब इतने टाइम से नर्सिंग के लिए प्रिपेयर किया है, थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स देंगे तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट सेलेक्टेड इन नीट एंड यू कैन परस्यू योर MBBS. MBBS फील्ड में जाना, MBBS डिग्री लेना एंड MBBS परस्यू करना,
इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग इन योर सेल्फ एंड ये सबसे बड़ी बात होती है दैट यू विल बी हैविंग अ डॉक्टर टैग यू विल बी एबल टू कम्प्लीट द थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू कम्प्लीट योर ड्रीम सक्सेसफुली. बट यहाँ पे जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की प्रेपरेशन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आती है. बायोलॉजी ऑलमोस्ट सभी की कंप्लीट होती है लेकिन आई वुड अगेन लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर थोड़े भी चांसेस हैं आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देंगे जैसा कि अभी आपने कभी भी नहीं किया हो तो आप MBBS में सिलेक्ट हो सकते हैं. तो प्लीज़ 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 अपने डिसीजन को नर्सिंग में आने के डिसीजन को एक बार और रखिए एक बार और देखिए और अगर आपसे MBBS पॉसिबल हो पाता है एनी हाउ तो अपना जी जान लगा दो अपने 110% प्रिपरेशन करो और MBBS में सिलेक्ट हो. द सेकेंड थिंग्स कम्स कि अगर आपको नर्सिंग में ही एडमिशन लेना है तो PNST एग्जामिनेशन जो स्टेट एग्जामिनेशन है PNST के जैसे हर स्टेट में अलग अलग नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं बट बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन भी हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं और ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन हर साल होते हैं. कभी कोई कोई एग्जामिनेशन एक साल में दो बार भी होता है. तो इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन टू द नर्सिंग प्रैक्टिस सो वॉट इफ़ यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड बाई अ नेशनल कोटा और यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ नेशनल एग्जामिनेशन दैट विल बी अ मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एंड दैट विल बी अ मोर डिफिकल्ट थिंग देन द स्टेट एग्जामिनेशन. बट द बेनिफिट्स ऑफ दीज नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज एंड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आर मोर देन कम्पेयर टू द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन. विच मीन्स कि अगर आपको नर्सिंग ही करना है तो वाई नॉट डू इट विथ अ लार्ज स्केल और ऑन अ लार्ज स्केल. PNST एग्जामिनेशन इज़ वेरी नाइस. आप लोग PNST के या अपने अपने स्टेट्स के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं एंड आई एम नॉट सेइंग दैट द फॉर्म्स आर नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल बट वॉट आई वॉन्ट यू टू नो इज़ कि आपके पास में मौका है. आप लोग अभी से बहुत सारी चीज़ों की प्रेपरेशन कर सकते हैं. नर्सिंग में ही अगर प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हर साल आपको बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं तो वाई नॉट ट्राई टू ऑल दीज फॉर्म्स. आप लोगों को सारी चीज़ों में ट्राई करना चाहिए ना. देन यू शुड चूज़ दैट वॉट आर द थिंग्स. सारे एग्जाम्स में सेलेक्ट होके देखिए उसके बाद चूज़ कीजिए दैट वॉट इज़ द बेस्ट एग्जाम वॉट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. सो अब हम लोग बात करते हैं कि वॉट आर द नेशनल लेवल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैम ऑल्सो. PNST का फॉर्म जब भी आएगा यू शुड फिल दैट फॉर्म यू शुड गिव दैट टेस्ट. बट सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप पे जाके ही हम लोग को नहीं रुक जाना है. हमें प्रिपेयर करते रहना है अबाउट द थिंग्स अबाउट एवरी एग्जाम दैट वी आर गोइंग टू फेस और हर एक एग्जाम को अपने कंप्लीट स्ट्रेंथ अपने कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ देना है. एग्जाम पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन और द नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सबसे पहले आता है एम्स नर्सिंग जो कि एम्स BSc नर्सिंग के लिए भी होता है. एम्स नर्सिंग एंट्रेंस MSc नर्सिंग के लिए भी होता है. एम्स नर्सिंग में अगर आप सिलेक्ट होते हैं यू विल बी गेटिंग स्टाइपेंड यू विल बी गेटिंग अ टैग ऑफ एम्स नर्स यू विल बी एबल टू क्वालिफाई नर्स एट मोर इजीली. बहुत सारी प्रेपरेशन एंड बहुत सारा जो आपको एक्सपोजर है वो एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर एम्स हॉस्पिटल में आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेगा. एम्स यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी गुड. ये जो है सबसे मोस्ट ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है एज वी कैन एलेबोरेट द फुल फॉर्म ऑफ एम्स. तो यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारा नॉलेज बहुत सारा एक्सपोजर बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी. तो विद द PNST एग्जामिनेशन और विद योर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर हार्ड अबाउट द अदर एग्जामिनेशन बिकॉज सब में सिलेबस सेम होगा तो वाई नॉट ट्राई द अदर एग्जामिनेशन टू. उसके बाद आता है MNS दैट इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज. ये जो एग्ज़ाम है ये होता है फॉर गेटिंग इनटू आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस और फॉर गेटिंग एडमिटेड इनटू द आर्मी. सो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेजर दिस इज़ अ प्लेजरेबल थिंग एंड दिस इज़ अ वेरी प्राउड पोस्ट दैट यू कैन हैव. सो स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के साथ में यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस पे भी ध्यान दें. देयर आर अदर थर्ड काइंड ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज़ IGNOU पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए होता है. देयर इज़ ऑल्सो अ एग्जामिनेशन दैट इज़ नोन एज JIPMER. JIPMER नर्सिंग के लिए अलग से एंट्रेंस होता है. प्लस बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड ऑल काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ टेक देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप नर्सिंग कर ही रहे हैं तो डोंट डू द थिंग्स और डोंट सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ऑप्शन.
मोस्टली आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपने सारी चीज़ें ट्राई करी हुई होना चाहिए, उसके बाद आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए. सो दिस वीडियो इज़ नॉट टू मेक यू डीमोटिवेटेड अबाउट द थिंग्स. आई हैव सिलेक्टेड दिस थंबनेल बिकॉज आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो पर्टिकुलरली. यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. आई वॉन्ट यू टू माइंड योर डिसीजन फर्स्टली एंड माइंड योर डिसीजन अगेन. आई वॉन्ट यू टू थिंक अगेन दैट देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी इन द नर्सिंग सेक्शन टू. तो अगर आपको नर्सिंग करनी है या आप नर्सिंग से भी अच्छा कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट दैट यू कैन हैव, है ना. सो डोंट गेट सैड, डोंट गेट डीमोटिवेटेड. सबसे पहले अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान दो. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अदर सेक्शन, दैट व्हाट यू शुड डू इफ द थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट. सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि सबसे पहले, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान दीजिए. हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि एक मेडिकल लेवल एग्जामिनेशन होगा, आपको मेडिकल फील्ड के एंट्रेंस के लिए हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैरी करेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी इंक्लूडिंग, और कुछ एग्जामिनेशन स्टेट एग्जामिनेशन, कुछ सेवरल काइंड ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन जो कि मेडिकल फील्ड के होंगे, दे माइट बी इंक्लूडिंग द इंग्लिश सब्जेक्ट टू. सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जो कि मेडिकल फील्ड में है, PCB कनेक्ट करेगा, प्लस साथ में कभी कभी इंग्लिश भी हो सकता है. इंग्लिश का क्रैश कोर्स जो है ऑलरेडी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं. देर आर सेवरल प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज दैट आई हैव मेड. सो वॉट इज़ द थिंग दैट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग सेलेक्टेड, एंड वॉट इज़ द थिंग दैट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम प्रिपेयरिंग बेस्ट ऑफ योर सेल्फ. मोस्टली आपको ध्यान देना है कि प्रेपरेशन पे अच्छे से फोकस करो. सारी चीज़ों का सिलेबस सेम है तो उन चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करो. अब बात आती है हमारे कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो पे, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ डिस्कशन है. हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंटली देखना है वो ये है कि अब जो है ये न्यूज़ मार्केट में आ चुकी है दैट CUET से ही शायद सारे सेक्शंस होंगे. जब नीट एंड JEE कैंसिल हो सकते हैं तो PNST या कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन क्यों नहीं. तो अगर गवर्नमेंट ऐसा डिसाइड करती है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं और ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आ गई है, तो हर एक दूसरे जगह पे, हर एक दूसरे चैनल पे आपको CUET से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे. डोंट गेट स्कैम्ड और डोंट गेट कॉट ऑन ऑल दीज वेब्स एंड इन ऑल दीज वेब्स. इन चीज़ों में, इन जालों में नहीं फंसना है, प्रेपरेशन पे ध्यान देना है. अब क्योंकि ये न्यूज़ आ चुकी है तो ये कंटिन्यू आपके सामने ये वीडियोज़ आते रहेंगे, दैट वेदर द नीट विल बी हैपनिंग और नॉट, वेदर द PNST विल बी हैपनिंग और नॉट, वेदर द JEE विल बी हैपनिंग और नॉट. बट वॉट द थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज दैट इज़ योर प्रेपरेशन. ये गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल दिया है कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं या ऐसा करना चाहिए या नहीं, और अगर गवर्नमेंट इसको लागू करती भी है, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है वी आर गोइंग टू डू दिस, नीट और JEE कैंसिल करेंगे, नर्सिंग एंट्रेंसेस कैंसिल करेंगे और सभी लोगों का एडमिशन एक ही एग्ज़ाम जो कि CUET है उससे लेंगे, देन ऑल्सो स्कीम्स एंड प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स लाइक दिस टेक्स लॉट्स ऑफ ईयर. 5-6 साल लग जाते हैं जो चीज़ हमने सोची होती है या जो चीज़ गवर्नमेंट ने प्रपोज की होती है उसको रूल में या फिर रेगुलेट करने के लिए. सो डोंट गेट स्कैम्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. एकदम से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आप लोग, जितने लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको एकदम से बोल दिया जाए कि अब ऐसा नहीं होगा और अब से आपको CUET देना है. हर चीज़ को आने में 2-4 साल 6 साल लगते हैं. गवर्नमेंट इज ऑलवेज डिलेइंग द थिंग्स. गवर्नमेंट ऑलवेज टेक टाइम टू रूल एंड गवर्नमेंट ऑलवेज टेक टाइम टू रेगुलेट एनीथिंग. सो वाई आर यू वरिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. प्रेपरेशन पे ध्यान दो. बच्चे, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स इन्हीं सब न्यूजेज में, इन्हीं सब फालतू की चीज़ों में लग जाएंगे, एंड जो लोग इस टाइम पे पढ़ रहे होंगे वही लोग अपनी सीट एंड सिलेक्शन ले जाएंगे. तो द चॉइस इज ओनली योर्स दैट वेदर यू वॉन्ट टू गेट सिलेक्टेड और यू वॉन्ट टू बी कॉट इन दिस वेब ऑफ द न्यूज इज दैट वेदर द एग्जामिनेशन विल बी हैपनिंग और नॉट. So this was the conclusion and I hope that you have liked the video. This was the last section of the video. अगर आप लोग ये वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा. All these videos takes a lot of effort and I make videos related to everything related to nursing, as well as I will make preparation strategies. There are several crash courses for your nursing entrance examination. Do sure to check the channel. Don't forget to hit that subscribe button as well as click that bell icon too, so that you will get the updates and the notification whenever I will upload a new video. This
दिस इज साक्षी, दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड विल बी कैचिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.